हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेल्दी रहने के लिए मेटाबॉलिज्म का प्रॉपर तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही हमारी बॉडी में खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम नहीं करेगा तो इसकी वजह से कई बीमारियां होने लगती हैं और मेटाबॉलिज्म की वजह से ही फैट बढ़ने लगता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या खाएं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करे और कौन कौन सी चीज आपको ज्यादा खाने से नुकसान हो सकते हैं, इसलिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म के कारण हमारे शरीर में कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हमारी कम उम्र होती है, हम जवान होते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से काम करता है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम 35 को क्रॉस करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म का काम करना स्लो हो जाता है, या ये कहूँ कि बंद हो जाता है, जिसके कारण ही वजन बढ़ जाता है। आपको थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ड्राइनेस और पैरों में दर्द रहना आदि समस्याएं होने लगती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए अपने खाने में किन किन सामग्री को शामिल करें। सबसे पहले आप अपने खाने के रूटीन को चेंज करें, लेकिन एकदम से आपको अपना खाना कम नहीं करना है। इससे आपको वीकनेस आने लगेगी और भूखे रहने की वजह से मेटाबॉलिज्म भी ठीक तरीके से काम नहीं करता, बल्कि इससे फैट और बढ़ने लगता है। आप प्रोटीन से युक्त भोजन का सेवन करें, जैसे दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट और सभी प्रकार की दाल। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप उसमें सी फूड, अंडा और चिकन को भी शामिल कर लें। इन सभी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की क्षमता होती है। लाल मिर्च का सेवन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, इससे कैलोरी और फैट बर्न हो जाते हैं। आप हर रोज 30 ml कोकोनट ऑयल का सेवन करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे भी फैट कम होता है। आपकी 36 की कमर कुछ ही दिनों में 26 की हो जाएगी। इसके अलावा आप हरी सब्जियां, फ्रूट, ड्राई फ्रूट का सेवन करें। इनसे बॉडी में मेटाबॉलिज्म का स्तर बढ़ता है और आप मॉर्निंग में खाली पेट ग्रीन टी पिए, इससे भी मेटाबॉलिज्म हाई होता है। फ्रेंड्स, आप दिन में 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पिए, इससे बॉडी से विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और आप स्वस्थ रहेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें।